स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी और ताजा खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के डबरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन आवास प्लाट में संचालित था, वर्तमान में वहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिया गया है, जिससे हिंदी माध्यम को पुराने भवन में स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें लगभग 600 से 650 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जहां ना तो बैठने की सुविधा है और ना ही शिक्षकों की व्यवस्था है, और पुराने भवन होने के कारण छत जर्जर हो चुकी है, जिससे बरसात का पानी टपक रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना बनी है, और बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है। इन सभी बातों को लेकर छात्र छात्राओं ने आज राजस्व अनुविभागीय अधिकारी डबरा के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि जल्द ही मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य। सर, मेरा नाम प्रकाश दास महंत है, तो मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा का छात्र हूँ, 12वीं का। तो हमें हमारी समस्या ये है कि हमारे इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, हर विषय में ना। तो हम यहाँ तहसीलदार के पास उसी के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए आए। तो हमारे स्कूल में भी बैठक व्यवस्था भी अच्छा भी नहीं है, विद्यार्थी ज़्यादा हैं, जिसके कारण कक्षा पूरा भर जाता है, तो इसमें बैठने में समस्या आती है। और बरसात के मौसम में, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जिससे न पानी छत से टपकता रहता है, बस यही समस्या है। हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं हैं। हमारे सभी शिक्षकों के स्नातक अचानक से कर दिया गया है और हमें पुराने स्कूल में भेज दिया गया है। वहाँ पर हमारे शिक्षकों की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का 2.5 महीना हो गए स्कूल खुल तो गया है, लेकिन हमारी पढ़ाई अभी हो ही नहीं रही है, ना ही शुरू हुई है। और जो पुराना स्कूल है वहाँ का छत, वहाँ की दीवारें भी ठीक से नहीं है, ना तो ना बिजली की व्यवस्था, ना ही हवा पंखे की व्यवस्था, और ऊपर से छत से पानी टपक रहा है। बरसात का दिन अगर कुछ हो गया तो इसकी तो हम लोगों का क्या होगा, हादसा भी हो सकता है।